हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबके साथ आए हैं अलजेब्रा का नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम कुछ स्पेशल टाइप के फैक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आपको आज के क्लास में कुछ अलग देने वाला हूं, और अलग ये है आपका कि आज के क्लास में आप पढ़ने वाले हैं एक्स टू द पावर एन माइनस बाई टू द पावर एन, और इस टाइप के जो चीज़ें आती हैं उसके बारे में पढ़ना, या माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, कि इसके फैक्टर कैसे होते हैं। आपको ये भी बताऊंगा कि आपको याद कैसे रखना, और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो इन सब चीज़ों के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले छोटी सी चीज़ें को समझिए। आपको जो पास जो चीज़ें हैं, आपको पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? तो कहेंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, आगे बोलिए, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं? एक फॉर्मूला आपको पता होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का, उसमें भी इस तरह की चीज़ें आती है, ए माइनस बी, और इसके बाद होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखते जाना है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और यहाँ पे हम देते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही पढ़ा है हमने अब तक। ये आपका जो चीज़ें लिखा हूँ, ये आपको ये चीज़ें लिखा हूँ कि जहाँ से आपको याद करना आसान हो जाएगा किस तरह की चीज़ें, और बाई चांस अगर सब कुछ भूल जाते हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे, वो भी चीज़ें बताने वाला हूँ। सारा कुछ आज क्लास में मिलने वाला है आपको। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे पावर क्या है। तो कहेंगे सर पावर क्या है? विषम संख्या है। पावर क्या है? ऑड है। पावर क्या है? विषम संख्या है। नीचे जो चीज़ें हैं ये क्या है? ये अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब ऊपर में क्या है? पावर विषम है और बराबर है। यहाँ पे पावर क्या है? तो कहेंगे विषम है और बराबर है। यहाँ पे पावर है सम है और कहेंगे बराबर है। इसका मतलब मैं किस कंडीशन पे बात कर रहा हूँ? जहाँ पे घात क्या होगा? बराबर होगा। जहाँ पे घात बराबर होगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब पावर क्या होना चाहिए या एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये पहला कंडीशन आपको याद रखना है कि मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वो बराबर घात की बात कर रहा हूँ। मतलब आप देख लीजिए n क्या हमारा दोनों जगह n है, मतलब दोनों जगह क्या है? बराबर है। तो बराबर होने से होता है क्या है? बराबर होने से ये होता है कि आपको पता है कि जब मैंने घात विषम रखा था और बीच में प्लस साइन था तो एक फैक्टर आपका डिटो सेम नीचे वाला को जोड़कर मिला था। जब घात मैंने बराबर रखा था और बीच में माइनस रखा था तो नीचों का माइनस करके जो मिलता है वो एक फैक्टर मिला था, एक गुणनखंड हमारा सेम टू सेम मिला था। इस पावर को सिर्फ हटाने पे जो बात आ रही है, मतलब प्लस में हो या माइनस में, घात अगर बराबर और विषम संख्या है तो हमको एक फैक्टर मिलता है जो कि सेम का सेम प्लस का प्लस होता है और माइनस का माइनस होता है विदाउट घात, घात को हटाकर। दूसरी चीज है, अब बात करते हैं कि अगर इसकी बात कर रहे हैं कि अगर घात बराबर हो लेकिन विषम ना हो, सम हो, तो आपको सम होने के कारण क्या होता है? घात दोनों मिलता है, प्लस वाला भी मिलता है और माइनस वाला भी मिलता है। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना है। समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि जब भी घात आपको विषम दिमाग में आए तो आप याद कीजिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, या फिर डायरेक्टली कहिए कि घात विषम में तो वन भी आता है ना, वन भी तो विषम होता है। तो ए माइनस बी दिया हुआ अगर पावर एक के साथ, मतलब आपके सामने एक्स टू द पावर वन और माइनस बाई टू द पावर वन है, घात क्या कर दिया मैंने? विषम कर दिया है। तो आप मुझे बताइए इसका एक फैक्टर क्या मिलेगा? तो कहेंगे सर ये तो x माइनस बाई ही दिया हुआ है। इसी तरीके से घात अगर माइनस के जगह पे प्लस में और घात फिर से विषम है, घात क्या है? फिर से विषम है। तो कहेंगे इसका ये तो डायरेक्टली x प्लस बाई ही लिखा हुआ है। तो याद करने का ये बेस्ट तरीका है कि जब भी घात विषम की बात करें तो आपको एक डाल के चेक कर लेना या तीन डाल के चेक कर लेना, क्योंकि इन दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, राइट? आगे बात करते हैं। और अगर घात सम दे दिया है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर दे दिया, ये घात क्या कर दिया है? इवन कर दिया, सम संख्या कर दिया। तो आपको पता है इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई, और यही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, यही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं कैसे याद करेंगे। अब एक कंडीशन आता है कि अगर घात सम हो और बीच में प्लस हो जाए, घात सम हो बीच में प्लस हो जाए, तो इस तरीके की चीज़ों में हम क्या करेंगे, इस तरीके की चीज़ों में हम क्या करेंगे? तो इसका फैक्टर हम नहीं करते हैं, जो विधि मैं बता रहा हूँ, जो कंडीशन यहाँ पे बता रहा हूँ, इसका फैक्टर हम नहीं करते हैं। लेकिन लेकिन लास्ट क्लास में आपने देखा था कि इस तरह की चीज़ों का फैक्टर भी मैंने बताया था, तो उस तरह के सवाल में ये फैक्टर अप्लाई होता है। जो चीज़ आज बताने वाला हूँ यहाँ पे आप देखेंगे सवाल आपके सामने कैसे कैसे रहेंगे, और उस तरह की चीज़ों में आपको ये चीज़ नहीं करना है अप्लाई। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, और अब आप इस फॉर्मूला के टाइप पर इसको कलेक्ट कीजिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अलजेब्रा है तो कुछ तो कलेक्ट आपको करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कि x की घात अगर n है और माइनस y की घात n है, जहाँ पे n क्या है हमारा? विषम है। n क्या है? ऑड है, ऑड नंबर है n। तो एक गुणनखंड क्या मिलेगा इसका? x माइनस y, ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड नंबर बोल रहा हूँ कि अगर x की घात n है, प्लस है बीच में, y की घात n है, जहाँ पे n क्या है? एक सम विषम संख्या है। n क्या है? विषम संख्या, ऑड है।
तो यहाँ पे एक फैक्टर क्या मिलेगा हमारा, एक्स प्लस वाई। तीसरा बता रहा हूँ कि अगर अगर x की घात n है माइनस y की घात n है, जहाँ पे n क्या है, सम संख्या है, इवेन नंबर है, सम संख्या है, इवेन नंबर है, तो यहाँ पे जो दो फैक्टर मिलता है वो प्लस वाला भी मिल जाता है और माइनस वाला भी मिल जाता है। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ों को, मैं सिर्फ इतनी बातें बता रहा हूँ कि अगर घात विषम है तो प्लस में भी एक फैक्टर मिलता है प्लस वाला, माइनस में भी एक फैक्टर मिलता है माइनस वाला। मैं बता रहा हूँ कि अगर घात सम है तो सिर्फ माइनस वाले में फैक्टर मिलता है और वो दोनों फैक्टर मिलता है प्लस वाला भी माइनस वाला। अब इस चीज़ को उल्टा करके देखिए कि अगर सिर्फ आपके सामने बीच में माइनस दिया हुआ है तो क्या इसका फैक्टर मिलेगा, मतलब अगर इस तरह के सवाल पूछे गए हैं कि x माइनस एन और y माइनस एन का एक फैक्टर x माइनस y है तो n क्या होगा, तो आप बताइए n क्या होगा, तो कहेंगे सर n अगर विषम होगा तब तो ये मिलेगा, तो आप मुझे बताइए सम रहेगा तो मिलेगा कि नहीं। तो याद कीजिए सम में मैंने क्या बताया, सम में भी मिलेगा ये, मतलब जब भी अगर n की बात करें कि n क्या है, कुछ नहीं है कुछ, और आपका डायरेक्ट एक फैक्टर दे दे कि इसका एक फैक्टर ये है, तो हम बोलेंगे n सम भी हो सकता है विषम भी, मतलब n क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। क्लियर है? अब इस पर एक दो को छोटे छोटे सवाल जो है, ये सवाल ले रहा हूँ, सवाल आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। आपका बोल रहा है एक्स प्लस वाई इज ए फैक्टर ऑफ दिस, तो आप मुझे बताइए डायरेक्टली सवाल जो आपका कॉन्सेप्ट बताया है इसी पे है कि x की पावर n प्लस y की पावर n का सवाल आप स्क्रीन पे देखिए कि एक गुणनखंड अगर x प्लस y है इसका मतलब n क्या होगा, विषम होगा। इसी तरीके से x की पावर n माइनस a की पावर n का अगर x प्लस a से ये कटता है, मतलब x प्लस a इसका एक गुणनखंड है, तो आप बताइए माइनस वाले का गुणनखंड प्लस में कब मिलता है, माइनस वाले का गुणनखंड प्लस में कब मिलता है, जब पावर क्या होता है, सम संख्या होता है, इवन नंबर होता है। एक सवाल और देखिए, बोल रहा है x की पावर n प्लस a की पावर n, x माइनस a से कट जाएगा, तो x की पावर n प्लस a की पावर n, बीच में प्लस है तो कब कटता है, तो बीच में प्लस है तो प्लस वाले से कटता है उसमें भी कब, जब पावर क्या होता है, विषम होता है, लेकिन प्लस वाला कभी माइनस से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट सवाल में आपका कह रहा है कि x की पावर n, जो चीज़ें यहाँ पर बताया कि x की पावर n और y की पावर n अगर x माइनस y से कट रही है तो n क्या होगा, तो हम कहेंगे n सम भी हो सकता है और n विषम संख्या भी हो सकता है, मतलब n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा, नेचुरल नंबर। अब इस पे दो सवाल आपको दे रहा हूँ करने के लिए, मतलब साथ में करा रहे हैं आपके साथ हम। इसमें जो सवाल है आपके स्क्रीन पे, इस सवाल को आप ट्राई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सवाल आपको सेट करके ही दे। करा x टू द पावर 11 प्लस 1 अगर x प्लस 1 से कट रहा है तो शेष कितना बचेगा, इस तरह की चीज़ें। ये अगर x प्लस 1 से कट रहा है, x प्लस 1 से कट रहा है, तो सबसे पहले बताइए ये कटेगा x प्लस 1 से, इसका मतलब हम कैसे सेट करेंगे, तो इसको पहले इस तरीके पे सेट कीजिए कि x की घात 11 और 1 की घात, तो आप कुछ भी दीजिएगा तो 1 ही आएगा, तो हम 1 को लिख सकते हैं 1 की घात 11, और इसका एक फैक्टर आपको मिलेगा कितना, x प्लस 1, एक फैक्टर कितना मिलेगा, x प्लस 1। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर इसका एक घात x प्लस 1 है तो आपसे पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा, तो शेषफल के लिए आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताने वाला हूँ कि शेषफल क्या होगा, शेषफल कैसे निकालते हैं, या फिर जीरोज क्या होता है, इस सारी चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में लेने वाला हूँ। यहाँ पे सिर्फ आप इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी x की पावर 12 दे दिया है और y की पावर 12 दे दिया है तो इसका फैक्टर निकलेगा, तो हम कहेंगे नहीं निकलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस कर देगा तो कहेंगे हाँ अब निकलेगा, और इसका दो फैक्टर कम से कम आएगा, जो x प्लस y आएगा और x माइनस बाई आएगा। ध्यान रहे मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि इसका और फैक्टर नहीं आएगा, इसका और भी फैक्टर आएगा, लेकिन ये दो मस्ट है, ये दो मस्ट है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके सामने है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस। अब बोल रहा है कि एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है तो के की वैल्यू निकालनी है। इन सब सवालों को लेकर मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से आ रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास जो है उसमें मैं फिर से इन सब सवालों को लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि इन सब सवाल से ही आपको पता चलने वाला है शेषफल क्या होता है, रूट्स क्या होता है। और उसके पहले एक छोटा सा सवाल इस कॉन्सेप्ट पे, जो कि अच्छा सा सवाल है, जहाँ पे आपको चीज़ें को सेट करनी पड़ेगी। सवाल यह है कि 3 to the power 555 दिया हुआ है आपको, प्लस 2 to the power 111 दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है इसका एक फैक्टर क्या होगा, ये किससे कटेगा, आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, सवाल आपके स्क्रीन पर नहीं है, आप सवाल सुनिए। तो इस तरह की चीज़ों में आप देखिए कि इसको इक्वल किया जा सकता है क्या, तो कहेंगे हाँ सर इसको इक्वल करने के लिए हम 3 की घात 5 गुने 111 लिख देंगे,
प्लस दो की घात कितना लिख देंगे, एक एक एक। उसके बाद तीन की घात कितना हो जाएगा, पाँच, और पूरे की घात हम क्या कर देंगे, एक एक एक, प्लस दो की घात एक एक एक। अब बताइए तीन की घात पाँच के ऊपर 111 जो कि विषम संख्या, दो के ऊपर 111 जो विषम संख्या, मतलब इसका एक फैक्टर कितना होगा, इतना होगा। इस तरह का सवाल आपने देखा होगा, यहाँ पे चार 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 भी होता है, यहाँ माइनस भी, इस तरह का सवाल आपने देखा होगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको पता है, प्रैक्टिस करने के लिए आप असाइनमेंट यूज कर सकते हैं, अदर बुक यूज कर सकते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर सवाल है वो यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं इस क्लास को क्लोज कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं ले रहा हूँ आपको रिमाइंडर थ्योरम बता रहा हूँ कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं और जीरोज कैसे निकालते हैं, इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आ रहे हैं। तब तक वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और मेरा इंतजार कीजिए। थैंक यू।